आप सबको राम राम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम के हृदय में रहते हैं और हनुमान जी के हृदय में श्री राम का वास है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार हनुमान जी और श्री राम जी लड़ने के लिए पहुंच गए थे? हो सकता है ये सुनकर आपको थोड़ा हैरानी हो, लेकिन ये सही है। इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी आपको सुनने को मिल जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ही सौगंध ली थी। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने उनसे युद्ध करने का सोचा। एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवर्त देश के राज सुकंत भी उसी सभा में संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। फिर क्या था, उन्होंने उनको प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? राजा सुकंत ने बताया कि संत सभा के आयोजन की बात है, मैं वहाँ आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए, ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए आगे बढ़े, नारद जी ने उन्हें आवाज़ दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं होगा नारद जी। तब नारद जी ने कहा, तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा ही थे, पर अब संत हैं, मत करना उनको प्रणाम। राजा सुकंत ने किया भी वैसा जैसा देवर्षि नारद जी ने उनको बताया था। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है आज, वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। श्री राम ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है गुरुजी? तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि जानकर क्या करोगे राम? इस पर श्री राम जी ने कहा, गुरुजी आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा, कल सुबह मैं उसका वध करूँगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक परेशान हो गए, नारद मुनि उनको मिले नहीं। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात सुनाई, साथ ही प्राण दान की विनती की। इस पर नारद जी ने कहा, माता अंजनी की शरण में जाने से तुम्हारी जान की रक्षा हो सकती है, तुम उनसे वचन ले लेना, फिर तुम्हारी जान को कोई परेशानी नहीं होगी, फिर तुम्हारा कोई वध नहीं कर पाएगा। लेकिन नारद जी ने कहा कि ये मत कहना कि ये सलाह मैंने तुमको दी है। राजा सुकंत माता अंजनी के घर के बाहर रोने लगे जाकर, तो माता अंजनी बाहर निकलती हैं, उनसे पूछती हैं कि क्या हो गया। तब उन्होंने बताया कि माता मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे, उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले हनुमान जी से सौगंध लेने को कहा माता अंजनी ने। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे।
तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है सुकंत? तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा, नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो श्री राम ही ना। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्री राम से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा, वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। तब श्री राम जी ने कहा, वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उनको प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ हनुमान, मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर श्री राम राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन वह वहाँ पर उनको नहीं मिले। उसके बाद वो उनको ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान जी राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो श्री राम उन्हें मार डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछ रहे थे, बचा लीजिए अब हमें। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चित रहो, श्री राम के नाम पर भरोसा रखो, राम नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा लिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब वाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। इसे देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी श्री राम को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर वाण चढ़ा दिया। लेकिन ये क्या, उस वाण से हनुमान जी के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि वाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम श्री राम हो गए। तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए, वह हनुमान जी की ओर भागे। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सर पर हाथ फेरते हैं। तब हनुमान जी ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी श्री राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पर हनुमान जी की जगह राजा सुकंत थे। श्री राम जी मुस्कराए और हनुमान जी बोल उठे कि हे नाथ, अब तो आपने इसके सर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। इनका जीवन और इनकी मृत्यु, आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें प्रभु। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा हनुमान। लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे, मैंने उनको वचन दिया है। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने आते दिखाई देते हैं। उन्होंने राजा सुकंत से कहा, जाओ, उस समय तुमने उनको प्रणाम नहीं किया था, अब जाओ उनको प्रणाम कर लो। राजा दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वो भी काफ़ी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो,
मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंद से पूछा कि संत का सम्मान ना करने की सलाह तुम्हें किसने दी थी? राजा सुकंद विश्वामित्र जी से कुछ कहते इससे पहले ही नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी क्यों सलाह दी? तब नारद जी ने कहा कि लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है, श्री राम की महिमा है, श्री राम के नाम की महिमा है। जय श्री राम, जय हनुमान।